खैर मुद्दम है आप लोगों को मेरे चैनल पे। कल जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था, कल एक टॉपिक हमने उठाया था मार्बल पॉलिश, तो मैंने कल आपने व्यूअर्स को जो है वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आज जो है आप उनको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे जो है क्या कौन सी SDM मशीन जो है होती है, क्या केमिकल होता है और क्या प्रोसेस कैसे चलाना होता है। वो आज मैंने वो वीडियो लेके आया हूँ। आई होप कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, प्लीज गो थ्रू। थैंक यू दोस्तों। ये होता है नोबले, जिसके बारे में कल मैं बात कर रहा था केमिकल्स के बारे में। तीन केमिकल्स का नाम लिया था, उसमें से एक नोबले था जो हम मार्बल पे ये करते हैं। ये स्क्यू है इसका, इससे जो है स्क्यू, तीन स्क्यू ये और एक स्क्यू पानी मिला के पेस्ट बनाना होता है। उसके बाद जो है ये गोला जाता है और ये SDM मशीन है जो आप देख रहे हैं। और इसका वेट एटलीस्ट जो है 60 kg होना चाहिए, 60 to 80 kg। और ये पेस्ट बना के हमने जो है इसका जो वो गोल इसमें डाल दिया है। और ये जो है मिला के पहले 3 मिनट तक कम से कम जो है इसको पहले मिला के रखना होता है, उसके बाद नीचे ये डाला जाता है फ्लोर पे। और इसके बाद जो रेड पैड, इस पे रेड आपको दिख रहा होगा नीचे जो है रेड पैड लगा हुआ है, उसके बाद जो है मशीन, ये मशीन है, इसको SDM मशीन बोला जाता है। और इसका जो RPM है वो 185 है। और ये जो है इसको एटलीस्ट जो है 20 मिनट्स के लिए चलाया जाएगा इसके ऊपर ये। और बड़ी बात ये है कि इसको एक्चुअल में जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में नाम दिया जाता है वो है क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो पेस्ट अभी आप पानी जैसा देख रहे हैं, ये पूरा जब तक नहीं सूखता है तब तक हम इसको जो है ऐसे ही चलाना पड़ता है और कंटिन्यूसली। और ये जब सूखने के बाद, अब आगे आगे देख लेंगे कि कैसे जो है ये सूख जाता है और उसके बाद जो है इसको फिर से वॉश किया जाता है इस पानी में। इसको दो एक बार पहले ये पेस्ट डाल के होता है, उसके बाद उसके ऊपर फिर से पानी डालना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है, और थर्ड टाइम जो है फिर से पानी डाल के उसको वॉश किया जाता है। और उसके बाद वॉश करने के बाद जो है फोर्थ स्टेप जो है नॉर्मल पानी से सिर्फ पानी वो करना है, पानी से वॉश करना है। पानी से वॉश करने के बाद जो है हम इसको सुखा देते हैं, पानी को जो है सक करते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं, बफिंग करते हैं। तो ये है एक्चुअल प्रोसेस जो है क्रिस्टलाइजेशन का। कल हमने मार्बल पॉलिशिंग के बारे में, ये एक स्टेप मतलब एक प्रोसेस है मार्बल पॉलिश करने का जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बाकी हम जो है जेनेटिक टर्नओवर जिसको हम यूज़ करते हैं उसका भी जो है रेड पैड से यूज़ किया जाता है, उसको भी मतलब आई मीन से रेड पैड इस्तेमाल किया जाता है। और केमिकल वो डायरेक्टली वॉश करने के बाद जो है डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है केमिकल फ्लोर पे, मार्बल फ्लोर पे। और उसके बाद जो है उसको स्क्रब किया जाता है, उसके ऊपर मशीन चलाई जाती है, सेम मशीन होती है जिसको हम SDM मशीन बोलते हैं या स्क्रबिंग मशीन भी बोलते हैं। सो उसके बाद जो है उस पे राइट पैड के बाद डायरेक्टली वाइट पैड ये होता है। पर इसमें जो है पहले पूरा पॉलिश का प्रोसीजर जो है रेड पैड से ही होता है। जैसे आप ये देख लेंगे ये धीरे धीरे सूखने लगा है, आप देख लीजिए ये सब मतलब बराबर जो है हो गया है इसमें। अब ये देख लीजिए आप अगेन डायरेक्टली ये जो जब तक ये दाना दाना रहता है उसको तब तक जो है इसको चलाना पड़ता है। और मशीन का ऑटोमेटिकली जो है हार्ड, जब तक मशीन नहीं होगी उसका जो है पकड़ जो है हार्ड नहीं होगी तब तक जो है अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। सो दोस्तों ये था मेरा कहने का मतलब, कल जो है एक आस्पेक्ट था हम कैसे मार्बल पॉलिश करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए कारामद हुआ होगा, कारामद रहा होगा कल का वीडियो और आज का वीडियो। आई होप कि आगे से किसी भी इंस्टीट्यूट में या आप लोगों को जो है होटल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स में चलाना हो तो उसमें जो है आप, आई होप कि ऐसे ही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन में टाइम लगता है। एग्जांपल अगर आपको 4x4 स्क्वायर फीट करना होगा तो उसमें जो है 20 मिनट्स, एटलीस्ट 20 मिनट्स आपको देने पड़ेंगे फर्स्ट वॉश के लिए, जब तक ये पूरा सूख ना जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा था कुछ टाइम पहले कि ये जो है पूरा गीला था, अब ये पूरा जो है सूख गया है मशीन चलाते चलाते। और इसके ऊपर जब तक नहीं पूरा सूख जाएगा तब तक जो है हमें ये वॉश नहीं कर, इसमें फिर से पानी नहीं डालना है। और ये मशीन जब टाइट
टाइट हो जाती है चलाने में, उसमें जो है बड़ा ज़ोर लगता है, पर उसी वजह से जो है इसमें शाइन आ जाती है। और ये शाइन जो है इसमें जो टाइम एक्चुअल जो है क्रिस्टलाइजेशन का वो 4 महीना रहता है, 4 महीने तक जो है क्रिस्टलाइजेशन का टाइम रहता है। और जो टर्नोवा अगर जो है जल्दी करना है आप लोगों का, जो फ्लोर है ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है, आप लोगों को जो है जल्दी ही चाहिए भी, उसके लिए आप टर्नोवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें जो है वो 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको फिर से करना होगा। सो मैंने आप खुद इसमें जो है मशीन पकड़ी है और आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा, हमने दूसरी बार पानी डाला है इसमें, अब ये सूख जाएगा, उसके बाद थर्ड बार हम पानी डालेंगे तो इसको वॉश कर लेंगे। आई होप कि व्यूअर्स को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको किसी भी रीज़न की वजह से जो है पसंद आया है सो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आगे और वीडियोज़ लेके आ जाऊँ। और प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।